शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्य भर में दूध की कीमतों में वृद्धि की मांग को लेकर किसान संघ और भाजपा सड़कों पर उतरे हैं। इसी मांग को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में सरपंचों की उपस्थिति में विभागीय आयुक्त संजीव कुमार को ज्ञापन दिया गया है। इसी मांग को लेकर भाजपा की ओर से आज बावनकुले के नेतृत्व में दूध कीमत की वृद्धि को लेकर विभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 1 अगस्त को सभी महाराष्ट्र के दूध संकलन केंद्र बंद करवाए जाएंगे, ऐसा भी इस समय बावनकुले द्वारा कहा गया। 150,000 लीटर दूध यहाँ महाराष्ट्र होते 150,000 लीटर दूधाला प्रति लीटर 10 रुपये रेट वाढवला पाहिजे। दुधाच्या भुकटीला 50 रुपये किलो रेट वाढला पाहिजे। हा पैसा सरळ शेतकऱ्याच्या अकाउंट मध्ये दिला पाहिजे, हे अनुदान दिलं पाहिजे। मागच्या काळात माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याला दुधाचं वाढीव अनुदान दिलं होतं, जेव्हा शेतकरी अडचणीत होता। या सरकारच्या कोणाही मंत्रिमंडळातील मंत्री महोदयांना शेतकऱ्याच्या दुधाची परवा नाही आहे, त्यामुळं जर हे केलं नाही तर 1 ऑगस्टला महाराष्ट्रातल्या या विदर्भातल्या सर्व दूध संकलन केंद्रासमोर दूध संकलन केंद्र आम्ही बंद पाडणार आहोत। सरकारने तातडीनं दुधाचा रेट वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा। दुसरीकडे आज नागपूर विदर्भातले सर्व सरपंच या ठिकाणी आले आहेत। ज्या सरपंचाला 6 महिने मुदतवाढ आपण देऊ शकत होतो, पण हे मुदतवाढ न देता आपल्या जवळचा पॉलिटिकल कार्यकर्ता प्रशासक नेमून ग्रामपंचायतमध्ये असणारे आताचे पैसे आणि येणारे 1 महिन्याच्या 15 वित्त आयोगाचे पैसे सरसकट पॉलिटिकल खर्च करण्याकरता पॉलिटिकल त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय केला, त्याची योग्यता कोण ठरवणार आहे? तो इलेक्ट राहणार नाही आहे। जर एकीकडे या महाराष्ट्रातल्या 13,436 ग्रामपंचायतमध्ये त्याचे इलेक्शन होणार आहे, त्या इलेक्शनमध्ये सरपंच सर्वच पक्षाचे आहे, तो कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो त्याच्यावर असा अन्याय करणं बरोबर नाही आहे। आणि म्हणून आज आम्ही निर्णय घेतला आहे की महाराष्ट्रातल्या ज्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीचे इलेक्शन लागले आहे त्या सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत ठराव घ्यावा की या महाराष्ट्रातल्या सरकारने घेतलेला हा मोगलशाही निर्णय प्रशासक बसवण्याचा हा मागे घ्यावा। 6 महिने सरपंचाला मुदतवाढ द्यावी। पंचायत समितीच्या सभापतींना आम्ही विनंती केली आहे, पंचायत समितीमध्ये त्यांनी ठराव करावा। आणि जिल्हा परिषदला विनंती केली आहे की जिल्हा परिषद सभागृहाने या निर्णयावर ठराव करावा आणि महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवावा। या 2 बाबींकरता आम्ही आज डिव्हिजनल कमिशनरला निवेदन दिलं आहे, दुधाचं पॉकेट दिलं आहे। 1 तारखेपर्यंत सरकारने शेतकऱ्याला दुधाचा रेट द्यावा आणि 3 दिवसाच्या आतमध्ये हा प्रशासकाचा निर्णय वापस घ्यावा, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ आणि उच्च न्यायालयात जाऊन या सरकारच्या या हुकूमशाही निर्णयाच्या विरुद्ध कोर्टामध्ये दाद मागू, हे आम्ही ठरवलं आहे। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रवादी काँग्रेस के नगर सेवक कमलेश चौधरी का कहना है कि पशु खाद्य के दाम अगर कम किए जाए तो दूध के दाम कम होंगे, इसलिए विरोधी पक्ष द्वारा जनता की दिशा भूल ना की जाए। ऐसा है कि पिछली सरकारों ने बहुत सारी बातें कही। पिछली सरकारों ने गौ माता के ऊपर में नारे बनाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपने कभी इन चीज़ों को गौर किया क्या कि गौ पालक जो है वो सबसे बड़ा जो समुदाय है वो कौन सा समुदाय है? यादव समुदाय। आपने कभी उनकी मनसा जानने की कोशिश की क्या? वो हमारे पालक मंत्री साहब पूर्व सरकार में पालक मंत्री थे हमारे नागपुर जिले के, कभी तो भी उन्होंने जानवरों के बारे में सोचते हुए, दूध वालों के बारे में सोचते हुए कहीं तो भी कैटल फार्म बनाने के बारे में सोचा क्या? सैकड़ों एकड़ जगह हमारे पास में कैटल फार्म की रिजर्व पड़ी है। दूध के रेट बढ़ने चाहिए से बेहतर है कि चारे के रेट कम होने चाहिए, ऑटोमेटिकली दूध का रेट कम हो जाएगा। आज ढेप के बोलिए, चोकर के बोलिए, चूनी के बोलिए, ये जो रेट है ये 1,000 रुपये के ऊपर के बोरे हैं। यानी इंसान का खाना सस्ता मिलेगा पर जानवरों का बाटा महंगा हो गया है। ऐसे परिस्थिति में दूध कैसा आपको सस्ता मिल सकता है? हमारी मांग है, हमारी इच्छा है कि हम लोगों को दूध सस्ता दे, हम लोगों को दूध सस्ता दे, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको दूध का रेट बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको बाटे के रेट कम करने के बारे में सोचना है। आप चारे के रेट कम कीजिए ना। पहले देखिए, ये शहर खुला था,
चारों तरफ से किसी प्रकार का मकानों का अभाव था, मकान कम थे, तो शहर में चारों तरफ खुली जगह थी, जानवर चर लिया करते थे, चारे का भरपूर उपयोग होता था। आज परिस्थिति ऐसी है कि मकानों की संख्या बढ़ती चली गई है और मकानों की संख्या बढ़ने से आज कहीं पर भी जानवर चराने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे परिस्थिति में जो जानवर पालक है, जो पशु पालक है, उसको पशुओं को अपने घर में बैठा के पेट भर खिलाना पड़ रहा है। अगर कोई 2 लीटर 4 लीटर की भी गैया दूध देने वाली होंगी, लेकिन उस 4 लीटर गैया के जो खाने का कोटा है वो तो सेम है, उसको खिलाना तो उतना ही पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में दूध बढ़ाने से बेहतर होगा, हमारे माजी पालक मंत्री जी ये बोले कि बाटे के रेट कम किए जाए, तो बाटे के रेट अगर कम करने के बारे में सोचा जाएगा तो कम से कम ऑटोमेटिकली दूध पालकों को, किसान को, काश्तकारों को इन चीज़ों का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूध उत्पादक किसान संघर्ष समिति व भाजपा द्वारा दूध की कीमतों में वृद्धि को लेकर आज राज्य में आंदोलन किया गया, लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।